नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौरव सेठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जी टेक की एक और नई वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं पोको का नया स्मार्टफोन, और वो स्मार्टफोन क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स है वो हम आप लोगों को बताएंगे, उसके जो लुक है वो भी कैसी है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो जल्दी से हम लोग, बॉक्स जो है हमारे सामने है, आप देख सकते हैं जो बॉक्स है ब्लैक कलर का बॉक्स है, ऊपर लिखा है पोको X5 Pro 5G, साथ में लिखा है मेड इन इंडिया। तो इसकी करेंगे आज हम अनबॉक्सिंग और देखेंगे इस ब्रांड के बारे में, इस फोन के बारे में कि फोन कैसा है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं हमारा बॉक्स। तो ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलती है ये एक पोको की ब्रांडिंग के साथ एक बॉक्स, जिसको हम ओपन करते हैं, और इसके साथ हमें मिलता है एक सिम इजेक्शन किट टूल, साथ में इसमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल जो कि बड़ा छोटा सा है, तो पहले के टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे लेकिन छोटा सा है। एंड देन इसके बाद मिलता है हमें एक ये सिलिकॉन केस जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है, काफ़ी मोटी क्वालिटी है, बट टाइम के साथ साथ ये भी जैसे अदर ब्रांड्स के जो सिलिकॉन केसेस है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी वैसा होना शुरू हो जाएगा। इसको करते हैं हम साइड में। देन ये रहा दोस्तों हमारा जो ब्रांड न्यू फ़ोन है पोको X5 Pro, इसको हम करेंगे अभी थोड़ी देर में रिवील्स। उससे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक टाइप सी केबल जो कि है वाइट कलर का, अच्छी बात है कि इसको येल्लो नहीं किया, ये वाइट ही कलर रखा है। देन उसके बाद हमें मिलता है एक 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस पे जो कि है पोको का पोको X5 Pro 5G डिवाइस। आप देख सकते हैं गाइस जो इसकी लुक है वो काफ़ी अच्छी है, 3 कैमरा सेटअप के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें 3 कलर वेरिएंट है, जिसमें एक ये रहा जो मेरे हाथ में येलो कलर, एक है ब्लू कलर और एक है ब्लैक कलर। तो ब्लू कलर में भी जहां तक हमने सुना है वो थोड़ा सा इसी टिंट में, लेकिन ब्लैक जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को मिलेगा। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी पोको की ब्रांडिंग। पोको का जो फ़ोन है ये अभी तक का पहला स्मार्टफोन है पोको की तरफ से जो कि 108 MP कैमरा के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को मिलेगा 8 MP का डेप्थ कैमरा सेंसर और 2 MP का मैक्रो कैमरा। देन दूसरी साइड पे आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉल्यूम के कीज़ जो कि कम और ज़्यादा करने के लिए है। साथ में आप लोगों को मिलेगा एक लॉक की जो कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और लॉक की को जो है आप देख सकते हैं इसमें येल्लो कलर दिया गया है ताकि अलग से ये शो हो सके कि क्या चीज़ है। देन सेकंड साइड पे जो है इसको एकदम प्लेन रखा गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, ना कोई सिम इजेक्शन किट दे रखी है इसमें ना कुछ। ऊपर की साइड हम देखेंगे तो 3.5 mm जैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ में मिलेगा इसमें डुअल स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आप लोगों को मिलेगा, साथ में IR ब्लास्टर। नीचे की साइड आएंगे तो नीचे की साइड है एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे भी आप लोगों को एक स्पीकर मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है फ्रंट में आप लोगों को मिलेगा 16 MP का फ्रंट कैमरा, बट इसमें जो है आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा 6 128 GB वेरिएंट और दूसरा मिलेगा 8 256 GB। एंड इसमें जो एंड्रॉयड आपको देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड वर्जन वो है 12, इन फ्यूचर आप लोगों को इसमें 14 भी देखने को मिल सकता है। इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको अप टू 8 GB तक वर्चुअल रैम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो मेरे पास डिवाइस है इसमें 3 GB तक आप लोगों को मिल जाएगा वर्चुअल रैम। साथ में इसमें आप लोगों को मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर जो कि रेडी टू यूज़ है 5G के लिए, जो कि टेस्टेड है जियो एंड एयरटेल के लिए। बाकी अदर ब्रांड का जब आपके जो आपका एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में 5G बैंड आ चुके हैं नहीं आ चुके, क्योंकि इसमें मे बी 7 बैंड्स जो है 5G के वो दिए गए हैं। तो गाइस आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा डिस्प्ले जो है 120Hz फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। जैसे आपको अगर कोई सी भी आपकी गेम है जो 60Hz पे चलती है तो ऑटोमेटिकली जो फ़ोन है वो 60Hz ले लेगा, कुछ चीज़ें होती है 90 पे चलती है तो ऑटोमेटिक 90 पे ले लेगा, और कुछ चीज़ें होती है 120 पे चलती है तो 120 पे ले लेगा। प्लस HDR10+ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपको डिस्प्ले मिल रही है वो है 10-bit की डिस्प्ले, जो कि नॉर्मली जितने भी डिवाइसेस आते हैं अदर ब्रांड्स के वो है 8-bit डिस्प्ले, लेकिन इसमें जो आपको देखने को मिलेगी 120Hz की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले विथ 10 bits। बैक जो इसका है वो है पॉलीकार्बोनेट
तो आप लोगों को जैसे गिर जाएगा या कुछ भी होगा तो एक डर लगा रहता है कि ग्लास ब्रेक है तो टूट जाएगा, बट बाय चांस ये गिर जाता है कहीं पे भी तो इसको टूटने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ये एज इट इज़ रहेगा। तो गाइस आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि आपके नॉर्मल यूसेज पे 2 दिन तक आराम से चल जाएगी, बट अगर किसी का हैवी यूज़ है तो 1 दिन आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बैटरी काफ़ी अच्छी है, दमदार इसमें दी गई है। गाइस इसका जो प्राइसिंग है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसका जो प्राइस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बस यही है इस फ़ोन के बारे में, बाकी आप जाइए और अपने आप इस फ़ोन को देखिए एंड जो इसके स्पेसिफिकेशन है उसको पढ़िए एंड उसके बाद आप इसको बाय कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।